भाई चिल्ला क्यों रहा है भाई? पहली बात तो मेरे को ये बता, चिल्ला क्यों रहा है? गोली तेरे को लगी नहीं है, ठीक है? गोली तेरे को छू के निकली भी नहीं है, एंड इसके बंदूक से निकली हुई गोली भाई, जो इन लोग का VFX आर्टिस्ट है ना भाई, वो मेरे को बहुत, एक बार मेरे को मिल जाए भाई उनके इन्हीं हाथों को ना, इन्हीं हाथों में मेरे को थूकने का यार, सीरियसली बता रहा हूँ। वो जितना इतना थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा रियल थोड़ा कुछ दिखाते तो नहीं डालते VFX अगर सीन तुम लोग वहां पे कुछ ऐसी कलाकारी तुम लोग नहीं करते तो वो थोड़ा बहुत रियल दिखता। अगर सिर्फ साउंड इफेक्ट ही तुम लोग डाल देते तो भी मेरे को थोड़ा बहुत रियल लगता था, ठीक है? अरे क्यों भाई, भाई तुम्हारा गोली मेरे पैर पे लग गई। भाई मेरे पास तो गन भी नहीं है, मैं तो छुट्टी लेके घर जा रहा था। रुको मैं कुछ सोचता हूँ। मैं भी तुम लोग को रोस्ट मारता हूँ, दो मिनट रुको। मैं भी कुछ सोच रहा हूँ अभी। बहुत डर लग रहा है। देखो तुम एक आर्मी ऑफिसर हो और एक आर्मी ऑफिसर को मुसीबत का हमेशा डट के सामना करना चाहिए। और हाँ, ये समय अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए नहीं, अपने देश के बारे में सोचने के लिए है। गाइस आप लोगों को दो सालों चारों तरफ से एक ऐसा कोई तो घेर लिया है आतंकवादी, एंड आप और आपका एक दोस्त जिसके पास गन भी नहीं है, और फिलहाल आपके पास भी गन नहीं है, और ऊपर से आपको एक गोली लगा हुआ है, और वहाँ पे आप ये सब ज्ञान पिल रहे हो कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा वो कर देने का, वैसा हो जाने का। मेरे भाई ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है यार, जो तुम लोग दिखा रहे हो ना सीरीज में, यहाँ पे वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। सब सीरियसली बता रही, ये सब कुछ भी ऐसा है वो होने नहीं वाला है, ना तो होता है ना तो होने वाला है ये सब। वाह एडिटर वाह, सीधा सीने में गोली उतारा भाई, सीधा एक नंबर सीन था भाई, सीरियसली एक नंबर, मजा आया भाई देख के। एक आर्मी ऑफिसर का हथियार की जरूरत नहीं, उसका हाथी उसके लिए हथियार होता है। मच्छर काट रहा है भाई, ऐसा कर रहा है ना कि गोली ही लगा है ना, गोली लगने के बाद भी इतनी इसकी डाय, इस बंदे का ज्ञान खत्म नहीं हो रहा है, सीरियसली देख रहे हो, इस बंदे को गोली लग चुका है लेकिन इस बंदे का ज्ञान अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है? प्राण संकट में है इस बंदे के, लेकिन ज्ञान पूरा दे देंगे उसके बाद ही मरेंगे भाई। आधे किलोमीटर दूर से गाइस इसने एक गोली मारा, वो गाइस सीधा जाके इस सेकंड आर्मी के गाइस यहाँ पे सीने पे लगा, एंड इसने सामने से तीन गोली मारा, वो गाइस नहीं लगा, एंड इसने स्पीयर दे दिया रोमन रेंज का यहाँ पे। वाह वाह वाह, घर घर खेल रहे हो या आर्मी रियल में आर्मी है या गाइस तुम लोग घर घर भांडी कुंडी खेल रहे हो, मेरे को एक बार प्लीज बता दो तुम लोग प्लीज। साले तेरी तो वाह, मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल था और मरने का भी तरीका बहुत ज्यादा कैजुअल था, जेन्युइनली चार फाइट मारने के बाद ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मर गया, रील खत्म, लाइक दे दो। अरे वो बच्चा झंडे के साथ क्या कर रहा है? गाइस अब मेरे को एक बात बताओ, ये बंदा यहाँ पे, ये जो बच्चा है यहाँ पे, वो गाइस फ्लैग के साथ खेल रहा था अपने इंडिया के, एंड उसने उड़ा के गिराया, जानबूझ के गिराया, गलती से गिराया, बट गिराया है, एंड उसको लात से मारने जा रहा था। भाई व्यूज लेने का भी एक हद रहता है, सीरियसली बता रहा, व्यूज लेने का ना एक हद रहता है जो तुम। अब मेरे को एक बात तुम लोग ध्यान से बताओ, क्या इस बच्चे को पता नहीं है अपनी इंडियन आर्मी का फ्लैग है? इस बच्चे को बेशक गाइस बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि अपनी इंडियन आर्मी का फ्लैग है, एंड ये आर्मी वाले, वो गाइस देखो ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड है, आप लोग सब लोगों को मालूम है, सब लोग ये वीडियो पूरा स्क्रिप्टेड है। एक ना भाई हद रहता है, एक व्यूज लेने का भी एक हद रहता है, जो तुम लोग करवा रहे हो ना बंद कर दो भाई प्लीज, मेरा मानना है। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है, तुम लोग का चैनल बंद कर दो, नहीं तो ये तुम लोग का कॉन्टेंट बंद कर दो भाई, दोनों में से एक चीज बंद कर दो भाई। तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? तू जानता है मेरा भाई कौन है? इसे लगा का डॉन है, इलाके का डॉन है गाइस इसका भाई, अभी अपने भाई को दिखाएगा, इसके भाई को देख के फौजी वाला डर जाएगा, जो NCC क्लियर करने के बाद, इतनी गांड फाड़ ट्रेनिंग करने के बाद जो गाइस सिलेक्शन जिसका हुआ है, वो इसके भाई को अभी देख के डर जाएगा। वाह शाबाश शेर शाबाश, तू रुक मैं अभी भैया को बुला के लाता हूं। ये इस इलाके का डॉन है भाई, ये इस इलाके का डॉन है, आप लोग समझ रहे हो भाई कितना क्रिएटिविटी है, जो इन लोग का जो कंटेंट राइटर होता होगा ना भाई, उतना क्रिएटिविटी भाई आता किधर से भाई, मेरे को ये बताओ, इतना सारा क्रिएटिविटी तुम लोग ला किधर से रहे हो यार? भलते भलते यूट्यूबर को तुम लोग हरा दोगे यार क्रिएटिविटी में, मतलब इसके हाथ तो मेरे को लग रहा है भाई, इसने अभी जस्ट जिम वर्कआउट से करके इसने आया है, इसका ये इस इलाके का डॉन है भाई, सीरियसली भैया उस फौजी ने मुझे मारा। चलो मैं देखता हूँ कौन है फौजी, अभी तुम भी एक फौजी को मार के गिरा देगा, चलो
इफाजी क्यों मारा मेरे भाई को? तू अपने भाई से पूछ क्या कर रहा था देश का तिरंगा के साथ, क्या कर रहा था इसके साथ? भैया मैं इस कागज के टुकड़ों के साथ खेल रहा था। भैया आपने मुझे चाटा क्यों मारा? बेशक बच्चे को सिखाया गया कि झंडा यहाँ पे नहीं बोलना है, भारत का तिरंगा यहाँ पे नहीं बोलना है, कागज का टुकड़ा बोलना है। वाह रे कंटेंट राइटर, वाह वाह रे क्रिएटर, एकदम जो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ जैसा वो काम तुम लोग करो, थोड़ा सा बजट बढ़ाओ वीडियो का, सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा सा बजट बढ़ाओ। और इस पहले बात तो इस बंदे को निकाल दो यहाँ से काम पे से, दूसरे बंदे को हायर कर दो। बार बार बोल रहा हूँ थिएटर वाले एक्टर को लेना तुम्हारे लिए अच्छी बात है भाई। तुझे पता है ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आन बान और शान है। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये लीजिए आपका तिरंगा। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये हमारे देश के तिरंगा कभी नीचे झुकना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, इतना ज्यादा ज्ञान, इतना भरपूर ज्ञान, मैं सुन के मेरे आंखों से आंसू आ गए हैं। इतना भारी भरकम ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सामने से हाथ जा, नहीं तो मेरा गाड़ी तुझे उड़ा देगा। मेरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बच्चा है इसके लिए मैं तेरे को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, वो ट्रेन है जो तेरे सामने से आ रही है ना, जो तेरे एकदम क्लोज पहुंच चुका है, वो ट्रेन है, वो साइकिल नहीं है जो तू उसने उसके सामने हु हट जा मैं तेरा उड़ा देगा। वो एक बार में तेरी सात पीढ़ी को भी ऐसे लाइन में खड़ा करेगा ना, तभी भी वो उड़ाते पेलते चला जाएगा, उसको किसी चीज का दुख नहीं है। ठीक है, अरे वो बच्चा ट्रेन के पट्टी पर बैठा हुआ है ना, अरे सामने से ट्रेन भी आ रहा है, अगर मैं इसे बचाने जाऊंगा तो मेरी जान भी मुसीबत में पड़ सकती है। एक काम करता हूँ, किसी को बुला के लाता हूँ। जा 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 जा, ट्रेन गाइस एकदम निकट पहुंच चुका है, एकदम नजदीक इसका ट्रेन पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी गाइस ये अभी जा रहा है एक बंदे को बुलाने। देख रहा है अभी खुद ही ये बोला कि बच्ची एकदम मतलब पटरी पे बैठी है एंड ट्रेन भी गाइस पहुंच रहा है, मैं जाऊंगा। इतना सेल्फिश इंसान गाइस अपने भारत में रह रहा है भाई, इतना सेल्फिश और इतना खुदगर्ज इंसान रह रहा है ना भाई, ये भी ये जाएगा किसी को ढूंढेगा, किसी को लेके आएगा। ट्रेन तेरा अब्बा चला रहा है इतना देर रुकेगा? ट्रेन तेरा अब्बा चला रहा है इतनी देर रुकेगा ट्रेन लेके? भाई वो ट्रेन है मैं बता रहा हूँ, वो गाड़ी और हीरो होंडा नहीं है, चला रहे हो अपने मर्जी के हिसाब से, रोक दो। ठीक है, आर्मी की ड्यूटी तो गाइस मेरे को सच में लगा है गांव गांव में लगी है आर्मी की ड्यूटी। यहाँ पे बॉर्डर पे इस आर्मी को नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज अगर इसको बॉर्डर पे भेज दिया गया तो वहां पे भी ये रील वील बनाने में जुटा रहेगा। ठीक है, रील बनाएगा, शॉर्ट्स बनाएगा, लाइक्स लेगा, कमेंट्स लेगा, फॉलोअर्स नंबर बढ़ाएगा, इसका टोटली ध्यान सोशल मीडिया पे रहने वाला है। इसके लिए वहां पे इसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है, इसकी ड्यूटी गांव में पहरेदारी करने के लिए इसकी ड्यूटी। गांव में जो भी संकट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो तू गांव वालों की मदद कर। वो देखिए वो बच्चा ट्रेन के पट्टी पर बैठा हुआ है, प्लीज उससे बचा लीजिए। अच्छा ए मेरी गन पकड़ो, मैं अभी जाके देखता हूँ। वाह, अभी तक ट्रेन उधर ही है भाई, अभी तक ट्रेन उधर ही है, एक मिनट से मैं ये वाली वीडियो देख रहा हूँ, अभी तक ट्रेन उतने बच्ची तक पहुंची नहीं आ रही है। भाई ट्रेन एक के स्पीड में चल रहा है क्या? एक के स्पीड में ट्रेन चल रहा है या ट्रेन चल ही नहीं रहा है भाई? वो भी एडिटेड है। आजा ट्रेन आजा। हाँ, अपने मौसी को बुला रही है ना इतना प्यार से, आजा ट्रेन आजा। बहुत सही, बढ़िया, बहुत बच्चे, एक नंबर। मतलब मेरे को एक काम करो, मेरे इस वीडियो को डिसलाइक मारो, मैं सीरियसली सामने से बोल रहा हूँ, मेरे इस वाले वीडियो को डिसलाइक मार दो और मेरा ये प्लीज मत देखो यार। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ये अभी बंदा ये पटरी से दूसरे पटरी से ट्रेन आ रहा था एंड ये बच्ची पहले पटरी पे खेल रही है, तो भाई इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा सस्पेंस में क्यों डाला भाई अभी तक हम लोगों को? इस बच्ची को भी सस्पेंस में डाला एंड इसके ऑडियंस को भी इसने सस्पेंस में डाला है। सर जय हिंद। बोल भी कौन रहा है भाई, और इसके सांस में सांस ऐसे आ रही है भाई जैसे कि इसने ही बचाया है अभी उसको। तेरी जैसा मतलब ही इंसान तो गाइस मैंने कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। जैन सर, सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ जवान, चोरी नंबर 3 पर आतंकवादी ने कब्जा करके रखा है, तुम्हें उन्हें मार के वापस हमारे भारत के झंडे को लहराना होगा। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एक दुश्मन को मारकर अपने देश के तिरंगा को जरूर फहराऊंगा। यहाँ पे भाई मैं तेरे को एक चीज बताऊं, मैं वहां पे लुकन छुपाई नहीं खेल रहा है, ठीक है, वहां पे नकली का नहीं खेलना है, बंद फ्री फायर नहीं और पबजी नहीं खेलना है कि मैं एक एक को मार के चिकन डिनर और बुया ले लूंगा और झंडा गहरा, इतना आसान नहीं है मेरे भाई जितना आसान तू समझ रहा है। ठीक है चवन शिवा, हमें तुम पर पूरी उम्मीद है, तुम हमारे तिरंगा को झुकने नहीं दोगे। थैंक यू सर, जय हिंद। फोर्स में गाइस एक ही बंदा लगता है मेरे को, इसके इसके बनाए हुए आर्मी में, इसके इसके चैनल पे जो इसने फोर्स बनाई है, थोड़ा कम बजट होने के कारण यहाँ पे हमको एक ही आर्मी देखने मिलेगा। यहाँ पे फोर्स की तंगी चल रही है, यहाँ पे हमको एक ही बंदा सारे दुश्मनों से लड़ते हमको
मिलने वाला है। देखने के लिए शुक्रिया। ये भाई एक नंबर, बहुत सही विलन को तुमने चूज किया है। जींस के पैंट के साथ, एक डाउन शोल्डर के साथ, एक जी शॉक घड़ी के साथ, और मस्त बियर्ड ऑयल वगैरह लगा के, हेयर ऑयल वगैरह लगा के एकदम बाल चमका दिया है। ये विलन नहीं लग रहा है भाई मेरे को। अरे आर्टिस्ट वाह, वाह एडिटर वाह, वाह वाह वाह, सीरियसली एक नंबर। ये बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है या बगीचे में लड़ाई हो रही है भाई? ये सीरियसली मेरे को एक चीज बताओ, ये नक्की बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है ना कि आम के बगीचे में लड़ाई हो रही है? और जिसका अगर माली आएगा ना गांड पे, तीन बम्बू और मारेगा और भगा भी देगा, तुम्हारी वीडियो भी नहीं बनने देगा वो। ये बंदा गोली पहले मार दे रहा है, उसके तीन सेकंड के बाद गोली छूट रही है, एंड इसका आर्टिस्ट ग्रीन स्क्रीन लगा, थोड़ा सा प्योरली नहीं हटा पा रहा है, एंड वो सीधा सर पे इसने गोली मारा है। खून वून तो मेरे को कहीं नजर ही नहीं आ रहा भाई, इसका क्या इनविजिबल गोली है लगता है, सिर्फ लगते हुए सिर्फ कैमरे में दिख रहा है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है। जय हिंद। फाइनली आज मुझे 4 साल बाद छुट्टी मिली गया है, आज घर जाके मैं आपको सरप्राइज दूंगा। बंदे के चैनल पे गाइस 1000 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इस बंदे ने 999 गाने में गाइस सेम सॉन्ग डाला है। ठीक है, ये जिसका सॉन्ग है ना, कम से कम इन लोग से 3 से 4 करोड़ रुपए लेना चाहिए ये सॉन्ग यूज करने का। 999 गाइस गाने अपने रील्स में सेम सॉन्ग डाला है, सेम सॉन्ग, सेम कॉन्टेंट, सेम बंदे लोग, सेम स्टोरी, सबका सब सेम टू सेम है भाई। ठीक है, सब सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत सस्पेंस डाल दिया है बस। अरे वहां पर वो हिंदुस्तानी फौजी जा रहा है ना, आज ताले को नहीं छोड़ूंगा। बच गया साला। अरे ये फौजी कहाँ भाग गया? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा एक तरकीब है। अरे ये तो राष्ट्रीय गाना शुरू हो गया। फौजी फंस गया ना मेरे जाल में। इतनी ही ज्यादा देशभक्ति थी तो जो जहाँ पे छुपा था वहां पे तेरे को क्लियरली सुनने में आ रहा था कि ये राष्ट्रीय गाना शुरू हो चुका है, वहीं पे खड़ा हो लिया रहता। नहीं नहीं, वहीं पे तू खड़ा हो सकता था और वहां पे भी तू बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा इज्जत तू दिखा सकता था रील में, लेकिन फिर वो रील में मजा नहीं रहता ना भाई, जो तू दिखाना चाहता है वो शायद हम लोगों को नहीं दिखता था। बंद कर दो यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, प्लीज बंद कर दो, वरना मैं यूट्यूब देखना बंद कर दूंगा, सच में बता रहा हूँ भाई। थोड़ा और आराम से मरता तो शायद बेहतर था। होप करता हूं गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी बंदा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा था प्लीज गाइस कर देना चैनल को सब्सक्राइब, एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे सेट कर देना, बिकॉज हमारी ऑल टाइम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए सबसे पहले। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मेरे को प्लीज कमेंट में बता देना, एंड किसी के लिए कोई हिट नहीं था, जस्ट फॉर फन पर्पस के लिए गाइस ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी। एंड इंडियन आर्मी तो भाई दिल से रिस्पेक्ट है भाई, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है गाइस इंडियन आर्मी के लिए, मेरे लिए इंडियन आर्मी को मेरे तरफ से गाइस दिल से बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। इंडियन आर्मी के वजह से ही गाइस हम लोग जो है, बट ये क्रिएटर्स के लिए मैं कुछ एक फनी क्लिप्स आप लोगों को एज अ फन पर्पस दिखाया, तो उसको कोई भी ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू मेरी फैमिली।